हेलो दोस्तों, वेब ब्लॉग में आप सबका एक फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज एक अनदर ईमेल मार्केट से रिलेटेड यूजफुल वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए मैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, वो भी उसके प्राइमरी फोल्डर में, और कोई भी स्पैम फोल्डर पर वो ईमेल नहीं जाएगी। मैं इस वीडियो को अब तक देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे हम बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को उसके प्राइमरी फोल्डर में। मैं विद प्रूफ आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा रिसोर्स है बल्क ईमेल सेंड करने के लिए वो है गूगल ग्रुप्स है। हम इस वीडियो में गूगल ग्रुप्स का यूज़ करेंगे बल्क ईमेल सेंड करने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि गूगल ग्रुप्स क्या है और उसका कैसे यूज़ करना है और कैसे उसके साथ हम बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा कि कैसे हम उसका यूज़ करके बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप ईमेल मार्केट लवर हो या ईमेल मार्केट का आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप हमारे चैनल पे ईमेल मार्केट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो मैंने उस पर हर एक टॉपिक पे ईमेल मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाई है। आपको करना कि आपको यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको मेरे चैनल का नेम सर्च करना है, वेब ब्लॉग और ईमेल मार्केट, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वन बाय वन वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर ईमेल मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। आप किसी भी ईमेल मार्केट से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रह सकती है आप सबके लिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और सर्च करना है गूगल ग्रुप्स। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों, जब आप इसको सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल ग्रुप्स का। उसको पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे इस पर आपको क्रिएट ग्रुप की ऑप्शन दिखा रही होगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ग्रुप पे बल्क ईमेल सेंड करने के लिए आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बना रखा है। यहाँ पे आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपका ग्रुप क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू ग्रुप आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रही होगी ग्रुप नेम की। दोस्तों, ग्रुप नेम, ग्रुप ईमेल एड्रेस या ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ये तीनों ही चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि ये नेम, ईमेल एड्रेस या डिस्क्रिप्शन हर यूज़र को दिखाई देगी। दोस्तों, पहले मैं इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि गूगल ग्रुप्स कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसे हम गूगल ग्रुप में यहाँ पर इसका ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको एक ईमेल लिस्ट अपनी ऐड करनी पड़ेगी। आप उन्हीं ईमेल्स को ऐड कर सकते हो जिनको आप जानते हो या जिनकी ईमेल आपको वेरीफाई पता है कि ये वैलिड ईमेल्स है। और अगर आपको नहीं पता कि ईमेल्स वेरीफाई कैसे करते हैं, कि कौन सी वैलिड ईमेल है और कौन सी इनवैलिड है, तो हमारी हाउ टू वेरीफाई ईमेल्स एड्रेसेस फॉर फ्री वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा कि ये जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ ये क्यों ज़रूरी है सबका नाम ध्यान से फिल करने की। यहाँ पे आपको ग्रुप नेम रखना है। यहाँ पे अपने नीचे से रिलेटेड कोई भी ग्रुप नेम रख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना ग्रुप नेम रख देता हूँ बिजनेस वेबसाइट। आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आप कुकिंग का कर रहे हो, जैसे या होटल का कर रहे हो, चाहे फिर आप बेबी का प्रोडक्ट प्रमोट करें, तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड ही टॉपिक रखना है। तो मैं डेवलपिंग से रिलेटेड टॉपिक रख रहा हूँ जो मुझे प्रमोट करना है। तो आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपने नीचे से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल आपको चूज़ करने के लिए कह रहे हैं। आप यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट भी यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ग्रुप के बारे में कुछ लाइनें लिखनी होगी। तो मैं कुछ लाइनें यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन की लाइन ऐड कर ली है, जो कि मैंने डेमो के लिए कुछ भी लिख दिया है। आप यहाँ पे बड़े ध्यान से अपने नीचे से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो अपने ग्रुप से रिलेट करती हो। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रही होगी ग्रुप्स प्राइमरी लैंग्वेज। यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज़ रहने देता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, चाहे हिंदी भी कर सकते हो या कोई भी गूगल की लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको गूगल ग्रुप टाइप चूज़ करना है। यहाँ पे मैं ईमेल लिस्ट को चूज़ करूँगा। आपको ईमेल लिस्ट का ही चूज़ करना है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा रही होगी। आपको फर्स्ट ऑप्शन ईमेल लिस्ट पे क्लिक करके इसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको बेसिक परमिशन ऑप्शन दिखा रही होगी ग्रुप विजिबिलिटी की। इसको ऑल मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप या एनी वन ऑफ द वेब, यहाँ पर मैं इसको
मैं यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप चूज़ कर लूँगा, आपको भी यही चूज़ करना है। और एनी ऑफ द वेबपैक क्या मतलब होता है कि अगर आप इसको चूज़ करते हो तो ये किसी भी आपकी ईमेल लिस्ट में किसी को भी दिखाई देगा कि आपने किसको ईमेल सेंड कर रहे हो। ऑल मेंबर्स का ग्रुप में सिर्फ मेंबर्स ग्रुप को ही लिस्ट में आपकी विजिबिलिटी वो रहेगी ग्रुप की। सो आपको यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद इसको जहाँ पे ऐसे ही टिक रहने देना है जैसे इनकी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रही है, और एक बार सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि बिजनेस वेबसाइट ऑलरेडी टेकन है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर का यूज़ कर लेता हूँ इसको यूज़ करने के लिए, तो मैं 78 का यूज़ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। तो उसके बाद अगर आप चेक कर लेते हो कि आपका ग्रुप नेम सही है, उसके बाद ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन और नीचे जो ऑप्शन मैंने बताई आपको चूज़ करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चेक आने के बाद यहाँ पे मुझे कैप्चा चूज़ करना पड़ेगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ नेस्ट कर देता हूँ। इसको वेरीफाई करता हूँ और दोबारा मुझे ये दे रहा है, तो इसको मैं 2 सेकंड इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कैप्चा सॉल्व, अगर आपके पास कैप्चा आने की ऑप्शन होती है तो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा जी। यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा है कि कंग्रेचुलेशन योर गूगल ग्रुप हैज़ बिन क्रिएटेड। सो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। ऐसे आप मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सो मैंने एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सो इससे यहाँ पे उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। सो दोस्तों जब आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, यहाँ पे आपको जैसे मुझे 2 ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखे हैं स्कूल से रिलेटेड और बिजनेस वेबसाइट के रिलेटेड, ऐसे ही आप मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो अपने इस गूगल ग्रुप्स की हेल्प से। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम चूज़ करना है, चाहे तो आप अपनी गूगल प्रोफाइल नेम से भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप कोई अपना कस्टम नेम ही चूज़ कीजिए। जैसे आप अपने नीचे से रिलेटेड या एफिलिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे नेम रखिए। सो यहाँ पे मैं कुछ नेम चूज़ कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने अपना नेम यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे फिल कर दिया। सो आप भी अपना कोई भी नेम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये नेम आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना होगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने जब इसकी टेस्टिंग की थी ये कैसे सेंड हो रही है ईमेल, और इसका परफॉर्मा कैसे दूसरे लोगों को शो हो रहा है, और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब हम भी इस टॉपिक पे सेंड करेंगे ईमेल तो तब भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कैसा सेंड हो रहा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल ये बता देता हूँ अपने एक जीमेल के। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अगर। सो दोस्तों मैं अगर अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों जब भी आप किसी को सेंड करते हो तो उसका आप दे सकते हो कि मैसेज अबाउट दिस ग्रुप कैसे शो हो रहा है। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निक नेम बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे दूसरी ईमेल बताऊँ कि जो मैंने इस मेल ग्रुप से मैंने सेंड की थी, जो आप यहाँ पे मेरा ग्रुप देख सकते हो स्कूल नाम का मैंने ग्रुप क्रिएट किया था, उससे मैंने सेंड करके देखी थी, तो वो ईमेल ऐसे कुछ शो हो रही थी मुझे। तो ये भी देख सकते हो ये प्राइमरी बॉक्स में ही आती है, ये वो मैं वीडियो के मैं लास्ट में भी आपको शो करवा दूंगा। सो दोस्तों ये GDS क्रिएटिव मैंने इसका निक नेम रखा था। सो ये टेस्ट स्कूल इसका मैंने वो सब्जेक्ट रखा था। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप निक नेम यहाँ पे रख रहे हो तो वो बहुत ही केयरफुली रखें कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और यूज़र को ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ अननेसेसरी कोई ईमेल आपको सेंड कर रहा है जब भी आप किसी का ग्रुप क्रिएट करके ईमेल सेंड कर रहे हो। सो यहाँ पे अपना टॉपिक और निक नेम बहुत ही ध्यान से चूज़ कीजिए और अपने टॉपिक से रिलेटेड ही रखें उसको। सो यहाँ पे जब आप इसका निक नेम रख लें उसके बाद मैं यहाँ पे सेव माई चेंजेस कर दूँगा। ये कुछ टाइम लेगा इसको चेंज करने के लिए, और ये हमारा ग्रुप ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है, बिजनेस वेबसाइट का एक अच्छा ग्रुप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज ग्रुप्स मैनेज मेंबर्स की ऑप्शन दिखा रहा होगा, मैं यहाँ पे मैनेज मेंबर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑल मेंबर दिखा रहा है, यहाँ पे आप इनवाइट भी कर सकते हो अपनी जीमेल लिस्ट से, या फिर आप डायरेक्ट ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ऐड ऑन मेंबर्स पे क्लिक करूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल लिस्ट से ऐड करनी है। सो आपको यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपनी एक लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने अपनी ईमेल लिस्ट अपनी ऐड कर चुका हूँ, मैंने 3 यहाँ पे ईमेल्स चूज़ किए हैं जो मेरी ही ईमेल्स हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको 1 by 1 ईमेल ओपन करके भी दिखा दूँगा वीडियो के अंत में कि जो भी हम टॉपिक सेंड कर रहे हैं उसका परफॉर्मा कैसे सेंड हो रहा है, और वो आपके स्पैम फोल्डर में नहीं, आपके जीमेल के प्राइमरी बॉक्स में जा रहा है। सो मैंने यहाँ पे 3 चूज़ किए, आप अपनी मल्टीपल लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे कोमा का सेपरेट करने के लिए आपको कोमा का यूज़ करना है। तो बी श्योर जब भी आप अपनी मल्टीपल लिस्ट ऐड कर रहे हो तो आप कोमा का जरूर यूज़ करते जाइए,
और उसके बाद आपको यहाँ पे वेलकम मैसेज लिखना है। सो दोस्तों ये भी बहुत नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी हो जाता है। वेलकम मैसेज का मतलब क्या है, आप जितनी भी लिस्ट यहाँ पे चूज़ कर रहे हो हर एक को मैसेज पहुँचेगा कि ये ग्रुप किसके लिए क्रिएट हुआ है, आप क्या उसको वेलकम मैसेज में लिखना चाहते हो। तो मैं वो आपको बता देता हूँ, मैं भी अपना एक वेलकम मैसेज रेडी कर लेता हूँ, आप भी अपना मैसेज रेडी कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने अपना वेलकम मैसेज रेडी करके यहाँ पर राइट कर दिया है। सो दोस्तों आप भी अपना कोई मैसेज अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वेलकम मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी भी लिस्ट को ऐड कर रहे हो उन सबको ये मैसेज पहुंचना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जितनी भी लिस्ट में आप ये मैसेज सेंड कर रहे हो तो उनको ये लगना चाहिए कि आप एक वैलिड टॉपिक पे कुछ ईमेल सेंड करोगे इन फ्यूचर भी, और इससे रिलेटेड ही कुछ डाटा भेजोगे। तो आपको वेलकम मैसेज में अपना कुछ डेमो के लिए मैसेज देना, जैसे मैंने लिखा कि वेलकम टू बिजनेस वेबसाइट ग्रुप, इसमें उनको मैं ई बुक्स और PDF प्रोवाइड करूँगा। आप यहाँ पर अपना एफिलिएट मार्केट से रिलेटेड डेमो दे सकते हैं, या कोई लिंक बना सकते हैं, या कोई फ्री में अपना स्टफ सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, उसका लिंक से बना सकते हैं गूगल ड्राइव से, यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं उस लिंक में। सो बी श्योर आप वेलकम मैसेज में अपना वो स्टफ ही डालिए, जिससे वो जितनी भी ईमेल अपने लिस्ट्स ऐड की है उसको वो इंप्रेसिव लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर मुझे ऑल ईमेल पे क्लिक रहने देना और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और इस पर या मैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, 3 पीपल वर वी एडेड इन दिस ग्रुप। सो एक बार हम देख लेते हैं कि कोई मुझे ईमेल रिसीव हो रही है जब मैंने कोई लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी। सो यहाँ पे मगर मैं बैक जाता हूँ, सो मुझे बिजनेस वेबसाइट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया है। सो क्या परफॉर्मा में शो हो रहा था वो हम देख लेते हैं। सो दोस्तों जो हमने बिजनेस वेबसाइट अपने ग्रुप नेम रखा था वो ऐसे शो हो रहा है, और इन्होंने उस यूज़र की ईमेल को कहा कि हेलो और बिजनेस वेबसाइट एडेड यू बिजनेस वेबसाइट ग्रुप, जो हमने ग्रुप का नेम रखा था। सो मैं इसलिए कह रहा था जितने भी आपके नेम हैं या मैसेज हैं उनको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये किसी भी यूज़र को फर्स्ट ईमेल वेलकम मैसेज में पहले भेजते हैं। सो उनको ये वेरीफाई करते हैं कि ये ईमेल के थ्रू आपको कौन सी ईमेल्स आने वाली हैं। सो अगर आप बल्क ईमेल्स लॉन्ग टर्म के लिए सेंड करना चाहते हो, कि अच्छी ईमेल लिस्ट बना के उन्हीं यूज़र को जिनको आप रिपीट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट मैसेज आपका क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है। तो उसके बाद अगर मैं इसको रीड करता हूँ जो हमारा मैसेज था, तो मैंने जो मैसेज में आपको कहा था कि आपको बहुत ध्यान से लिखना, वो मैसेज यहाँ पे शो होता है। तो अबाउट दिस ग्रुप में भी आपको यहाँ पे जो हमने फर्स्ट हमने बॉक्स में हमने लिखा था कि हेलो डियर दिस ग्रुप इज़ रिलेटेड वगैरह क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, तो एक मैसेज और अबाउट दिस ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है आपको बड़े ध्यान से लिखनी है, और टॉपिक भी आपको अपना उस रिलेटेड ही रखना है कि लोगों को ये ना लगे कि ये कोई ऐसे ही ईमेल सेंड कर रहा है, आपको उनको लगे कोई प्रोफेशनली कंपनी है जिससे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए उसी रिपीट लिस्ट को सेंड कर सकते हो। सो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसको न्यू टॉपिक को भी सेंड कर सकते हो। सो अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मैं दोबारा बिजनेस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, और ये मेरा चूज़ हो चुका है। सो इसको ही मैं दोबारा किसी न्यू टॉपिक पे ईमेल करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने तीन ईमेल सेंड की ईमेल चूज़ की थी, और आपके पास आपने एक ही टाइम पे आपने 30, 40, 50 या 1000 ईमेल चूज़ करके उनको भेज रहे हो, तो उसको भी आप इस ग्रुप में नेक्स्ट टाइम क्या टॉपिक करना चाहते हो एक ही बार में उसी ग्रुप को आप सेंड कर सकते हो। सो इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि आप जिस ग्रुप को भेजना चाहते हो, जैसे मैंने स्कूल में 10 ईमेल सेलेक्ट की होगी तो 10 को चली जाएगी, अगर बिजनेस वेबसाइट में मैंने 100 ईमेल चूज़ की होगी तो 100 को चली जाएगी। सो मान लो मैंने बिजनेस वेबसाइट वाले ग्रुप को जिसमें 100 मेरी ईमेल्स हैं, तो उसको मैंने किसी न्यू टॉपिक पे भेजना है मैसेज एक बार में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो एक जैसे हमारा जीमेल का ओवरव्यू होता है वैसे ही आ जाएगा। तो मी टू जितने हमारे बिजनेस वेबसाइट के ग्रुप में ईमेल्स मैंने ऐड की थी वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए समय बचाने के लिए टेस्ट लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ए डिस्कशन, आपको स्टार्ट ए डिस्कशन पे चूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मेक एन अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले एट द टॉप यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं टेस्टेड कुछ भी लिख देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मैसेज भी लिख दिया। सो दोस्तों जब भी आप एक अच्छा वेलकम मैसेज के साथ जब मैसेज भेज देते हो, उसके बाद जब भी कोई न्यू टॉपिक पे भी आप भेजोगे, तो आपको इस यहाँ पे भी सब्जेक्ट अपना अपने बड़े ध्यान से लिखना, और यहाँ पे मेक एन अनाउंसमेंट टू डिस्प्ले एट टॉप, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो जो भी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे अटैच फाइल कर सकते हो, कोई इमेज सेंड करनी है या कोई कुछ भी मीडिया फाइल सेंड करनी है आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद याद मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करके दिखा देता हूँ, या मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों ये एक टेस्ट नाम का जो न्यू टॉपिक पे मैंने मैसेज सेंड किया, उन सारे ग्रुप्स
ईमेल्स को सेंड हो गया जिनको मैंने ऐड किया था। मैंने यहाँ पे 3 ईमेल्स ऐड की थी। अगर आपने 100 ईमेल्स ऐड की होगी या 200 ईमेल्स ऐड की होगी तो उन सब 200 लोगों को उनके प्राइमरी बॉक्स में एक दो दो सेकंड के अंदर ही वो मैसेज चला जाएगा। सो हम देख लेते हैं कि जिन ईमेल्स को आपने सेंड किया, जैसे मैंने 3 ईमेल्स चूज़ की थी। सो पहले मैं फर्स्ट ईमेल को ही जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ, ये आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड के अंदर ही अभी मैंने सेंड की और 1 सेकेंड के अंदर ही मुझे बिजनेस वेबसाइट और उसका सब्जेक्ट और उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ मुझे मिल चुका है। सो दोस्तों, गूगल ग्रुप से एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जिसके साथ आप अपनी वो लिस्ट ऐड कर सकते हो। एक आपको अच्छा सा पहले वेलकम मैसेज रेडी करना है जिससे वो कन्वे हो जाए यूज़र की एक ये कोई अननेसेसरी कोई यूज़र नहीं है जो हमें ईमेल सेंड कर रहा है। आपको बड़े ध्यान से वो वेलकम मैसेज रेडी करना है जिसके किसी भी यूज़र को ये लगे कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जिससे हमें मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो आपको अपना प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा प्रमोट कर सकते हो इस गूगल ग्रुप्स का यूज़ करके। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ कि गूगल ग्रुप्स की सहायता से आप कैसे किसी भी अपनी बल्क ईमेल को लिस्ट को बना के कैसे उन यूज़र को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, आप हमारी आने वाली वीडियो के साथ जुड़ सकें। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू सो मच। बाय।